नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे अडानी विल्मार स्टॉक के बारे में। इस समय ये स्टॉक एक हेवली कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड होते दिख रहा है और मैं कहूंगा कि इस स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। इस समय रिसेंट के न्यूज कुछ भी नहीं है। यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे अपडेट्स में तो कुछ भी न्यूज नहीं है कि Q3 के अपडेट्स को लेकर के ही न्यूज दिखे थे और यहाँ फीडिंग में भी कुछ भी न्यूज नहीं दिखेंगे। अडानी के मल्टीपल न्यूज दिखेंगे लेकिन विलमार के न्यूज आपको बड़ा मुश्किल से मिलते दिखेगा। टेक्निकली ट्रेंड काफी वीक है, हालांकि सेक्टर के कंपेटिटिवली आउट परफॉर्म करते दिख रहा है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो काफी वीक है और मुझे लगता है कि इस समय कौशन बरते, डिलीवरी ठीक ठाक दिख रही है, ट्रेंड वीक है और यहाँ थोड़ा आप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट क्या कहता है, यहाँ हमने काफी प्रेम पूर्वक अपने व्यूज को लगा रखा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड कंसोलिडेट, अब एक बड़े ट्रेंड के लिए इस कंसोलिडेट के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए। तो अगेन मैं बात रिपीट करूंगा कि 420 के ऊपर ही बड़े ट्रेंड हम देख सकते हैं, जहां 550, 630 और 800 जैसे लेवल दिखेंगे। लेकिन जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करें, इस स्टॉक को बिल्कुल एवरेज आउट या फिर फ्रेश बाइंग करने से बचेंगे। 334 के नीचे थोड़ा पैनिक हो सकता है, जो 300 और 280 जैसे लेवल्स भी दिखा सकते हैं। क्या वैल्यू बाइंग जोन होना चाहिए? तो वैल्यू बाइंग मुझे लगता है कि 280 के नीचे अगर मिले तो वो एक वैल्यू बाइंग जोन होगा, पर इस जोन को एक ब्रेकआउट करने दे फॉर फर्दर अपमूव के लिए। ये बातें मैंने कई बार रिपीट करा, अगेन रिपीट करूंगा कि इस समय थोड़ा कौशन रहे और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही एक बड़ा सस्टेनेबल ट्रेंड दिखेगा। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, स्टॉक एक कंसोलिडेट जोन में ही ट्रेड होते दिख सकता है।